तुर्की सरकार ने 18,000 फौजियों और सिविल सेवकों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश से करीब 9,000 पुलिस अधिकारी, 6,000 सशस्त्र बल कर्मचारी और न्याय मंत्रालय के 1,000 सिविल सेवक प्रभावित होंगे। वहीं तुर्की मीडिया इसे आपातकाल का आखिरी आदेश बता रही है। तुर्की सरकार ने विफल तख्ता पलट प्रयास के लिए निर्वासित धार्मिक नेता फतुल्लाह गुलेन से जुड़े समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। गुलेन इस वक्त अमेरिका में स्वनिर्वासित जीवन बिता रहे हैं। यहां 20 जुलाई 2017 को आपातकाल लागू किया गया था। इसके बाद हजारों अधिकारियों और शिक्षाविदों को गुलेन के साथ करीबी रिश्तों के चलते गिरफ्तार किया गया और उनके पदों से हटाया गया। उम्मीद है कि यह आपातकाल सोमवार को खत्म हो जाएगा।